अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तज़ील अहमद और आप देख रहे हैं टेंटी वी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे समसंग नोट 10 प्लस का कंप्लीट व्यू और देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसका डिज़ाइन को कंपेयर करके देखेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं इसके ए टू जी तमाम फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ और इसके कैमरा परफॉर्मेंस को भी आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे इसके फीचर्स हैं, कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई है। तो सो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सैमसंग नोट 10 प्लस को कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसके फीचर्स को भी देखेंगे, कैमरा परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, तमाम के तमाम फीचर्स को भी देखेंगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इसका बैक की तरफ देखते हो तो बैक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बनाया गया है और अरोरा वाइट कलर में आपको ये बैक की तरफ मिल जाएगा। अगर आप इसका फ्रंट की बात करोगे, फ्रंट में आपको एक ऊपर कैमरा नज़र आ जाएगा और इसका अगर आप डिस्प्ले देखोगे, डिस्प्ले 6.8 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको 200 सिम स्लॉट आप इसके अंदर मिल जाएगी, आप इसके अंदर सिम्स आपने डाल सकते हो। इस तरह दोस्तों अगर आप इसकी रैम की बात करते हैं तो 12 GB की रैम इसके अंदर मिल जाएगी, 256 GB की इसके अंदर रोम मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप इसके दोस्तों फ्रंट की तरफ देखते हो, फ्रंट की तरफ आपको जो कैमरा मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक किस्म का बनाया गया है। अगर आप इसके चारों साइड की तरफ देखोगे, चारों साइड आपको स्क्रीन मिल जाएगी और इसको आप बिल्कुल सेंटर के अंदर फिक्स किया गया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं क्योंकि जो अगर कैमरा का नोच भी बनाई गई होगा वो एक एज के साथ कनेक्ट की जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एज के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया गया। इसकी जो चारों साइड्स हैं वो सेंटर के में आती हैं इसके डिस्प्ले के। इस तरह दोस्तों अगर आप इसके अंदर की जानब देते हो, अंदर की जानब जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है और इसका सॉफ्टवेयर भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। अगर दोस्तों आप इसके सेटिंग में चलते हो, सेटिंग के अंदर हम कुछ फीचर्स वगैरह इसके चेक करते हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको बनाते हैं दूसरे फ़ोन से यूनिक। सो यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल कुछ सैमसंग नोट 8 की तरह से ही लगेगा, लेकिन दोस्तों नोट 8 और नोट 9 की तरह ही लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आते हो तो ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाएगा, नाइट मोड का फीचर मिल जाएगा और स्क्रीन जूम का फीचर मिल जाएगा। अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो स्क्रीन रेजोल्यूशन में भी आपको मुख्तलिफ तरह की रेजोल्यूशन मिल जाती हैं, आप अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। HD, फुल HD और अल्ट्रा HD भी आपको मिल जाएगा, आप इसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों एज स्क्रीन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप एज स्क्रीन भी यूज़ करना चाहते हो, जो कि नॉर्मली सैमसंग के जो फ़ोन आते हैं लेटेस्ट उनके अंदर होता है, अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये भी काफ़ी कूल फीचर है, आप इसको भी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा इजी मोड का भी ऑप्शन आ जाता है, इसको नेविगेशन बार का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, जो नीचे से नेविगेशन बार है अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो इसको हटा सकते हो। एक्सीडेंटल टच को भी अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस तरह टच सेंसिटिविटी इसको भी आप इनेबल कर सकते हो अपने हिसाब से। स्क्रीन सेवर अगर दोस्तों आपको लगता है कि बैटरी इसकी ज़्यादा आपकी ज़ाया हो रही है तो आप स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हो, जिससे आपकी जो बैटरी है वो भी, क्योंकि जो लाइट होगी वो जल्दी ऑफ हो जाया करेगी और स्क्रीन सेवर जो होगा वो सामने आ जाएगा, जिससे आपकी बैटरी भी बचत हो जाया करेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर एडवांस फीचर में जाते हैं तो आपको इसमें जो एस पेन है वो भी आपको इसके ऊपर भी जो नेट 10 के ऊपर आपको कुछ इसके ऊपर भी जेस्चर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप उनको कंट्रोल कर सकोगे। इसके अलावा दोस्तों साइड की है जिसमें आप अपने क्विक लॉन्च कैमरा वगैरह को साइड से स्क्रीन पर ला सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिंक विंडोज़ है और इसके अलावा स्मार्ट पॉपअप व्यू है, जो कि अगर आप मल्टीपल विंडोज़ यूज़ करना चाहते हो, किन किन ऐप्स की मदद से करना चाहते हो वो ऐप्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल विंडोज़ आप यूज़ कर सकोगे। डेस्क चेयर है अगर दोस्तों आप डेस्क चेयर करना चाहते हो, या रिड्यूस एनिमेशन है, ये फीचर्स आपको सारे इसके अंदर एडवांस फीचर के अंदर मिल जाएंगे। और दोस्तों ऊपर की जानब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोशन एंड जेस्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लिफ्ट वेकअप करते हो तो आपका फ़ोन की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर जेस्चर हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। इस तरह दोस्तों इसकी जो पेन की अगर हम बात करें सैमसंग नोट 10 की, तो उसके ऊपर भी जेस्चर है जिसको आप रोटेट करके भी अपने फ़ोन की गैलरी वगैरह को ओपन कर सकते हो। वॉल्यूम को कम टोन वो आप अपनी फ़ोन की स्टिक के साथ ही नोट 10 की स्टिक की मदद से ही कर सकते हो। दोस्तों अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट मिलेगा, 9.0 मिलेगा। इस तरह दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर आपको इसके अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक्जीनोज 9825 का प्रोसेसर होगा, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इस तरह दोस्तों अगर आप इसके कैमरों की बात करते हो तो कैमरे में अगर आप देखोगे कैमरा, अगर बैक की जानब आपको क्वाड कैमरे मिलेंगे। इस तरह फ्रंट कैमरा आपको सिंगल कैमरा मिलेगा, फ्रंट में आपको डुअल कैमरे नहीं मिलेंगे, फ्रंट आपको सिंगल ही मिलेगा, क्योंकि सैमसंग S10 में आपको फ्रंट में डुअल कैमरे मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों अब हम इसके कैमरा फीचर्स को भी चेक करते हैं, कौन कौन से कैमरा फीचर्स हैं इसके अंदर। दोस्तों अगर आप इसके कैमरों को देखते हो तो यहाँ पर लाइव फोकस का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी बैकग्राउंड को ब्लर कर सकोगे,
तो ये एक कमाल का फीचर है जो कि नोट 10 के अंदर शामिल किया गया है, नोट 10 प्लस के अंदर भी और नोट 10 के अंदर भी इस फीचर को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। अगर आप इसको किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो, जिस तरह DSLR कैमरा में होता है, आप इसको उसी तरह ही ब्लर कर सकोगे। तो हो सकता है स्क्रीन के अंदर आपको सही तरह नज़र ना आ रहा हो, और लेकिन दोस्तों आप जब इसको खुद ट्राई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रो फीचर्स हैं जिनमें आप अपने ISO को कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये अपने आप हिसाब से कर सकोगे, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है DSLR के अंदर फीचर्स होता है, उसी तरह के यहाँ पर आपको फीचर मिलेगा। इस तरह नाइट का फीचर भी है, फूड का फीचर भी है, और ये आप अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकोगे। ये फीचर्स भी आपको इनके कैमरों के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लाइव फोकस की बात करें, लाइव फोकस का जो फीचर्स है ये आपको वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा। दोस्तों लाइव फोकस वीडियोस के अंदर भी आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो भी ब्लर हो, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो अगर हम इनके कैमरों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरे मिलेंगे, और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर सुपर स्लो मोशन का फीचर भी मिल जाएगा, जो कि आपको टिकटॉक की वीडियोज़ में नॉर्मली आप लोग यूज़ करते होगे। तो यहाँ पर सुपर स्लो मोशन और स्लो मोशन का फीचर मिल जाएगा, ये आप अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकोगे। अगर आप टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हो तो आपको कोई भी एक्सटर्नल किस्म की ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों अगर सेटिंग के अंदर चलते हो तो सेटिंग के अंदर आप वीडियो की रेजोल्यूशन वगैरह को कम कर सकते हो, कितनी भी आप रखना चाहते हो आप उस हिसाब से रख सकते हो। फुल HD भी रख सकते हो, HD भी रख सकते हो, और अल्ट्रा HD भी आप रख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है तो कि आप किस तरह की अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को रखना चाहते हो। तो सो ये आपके फीचर्स पर डिपेंड करते हैं। एडवांस रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर भी आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कैमरा मोड्स भी आपको मिल जाएगा, और भी यहाँ पर तरह तरह के फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो फ़ोन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। फ्रंट कैमरा दोस्तों जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका पसंद आया, क्योंकि अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको 10 मेगापिक्सल का मिलेगा, और इसका अपर्चर जो है वो 1.6 का अपर्चर मिलेगा। बैक की जरा अगर बात करोगे क्वाड कैमरे मिलेंगे, और अगर हम इनके जो फर्स्ट टू कैमरे हैं उनकी बात करें तो वो 12 मेगापिक्सल के मिलेंगे, और जो थर्ड कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसी के अलावा यहाँ पर आपको LED फ्लैश भी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टू कैमरे की बात करते हैं तो वहाँ पर जो अपर्चर आपको मिलेगा 1.5 का अपर्चर मिलेगा, और अगर थर्ड कैमरे की बात करते हो तो वहाँ पर जो आपका अपर्चर मिलेगा वो 2.2 का मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप फुल HD वीडियोस भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पर जो आपको क्वालिटी आएगी वो क्या ही बात है, वो ज़बरदस्त आपको क्वालिटी नज़र आ जाएगी। सो आप इनको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अगर हम इसकी बैटरी की बात करोगे तो बैटरी से भी आपको परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर जो आपको बैटरी मिलेगी वो 4300 mAh की बैटरी मिलेगी। और दोस्तों अगर मैं इस फ़ोन की प्राइस की बात करूँ तो इस फ़ोन की प्राइस पाकिस्तान के अंदर 2,05,000 रुपीज़ में आप इसको बाय कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से बाय कर सकोगे। जी दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगा कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप draz.pk से जाके बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट पर भी इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अब बगैर किसी सूद के आप इसको इंस्टॉलमेंट पर बाय कर सकते हो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियोस। अगर स्क्रीन पर शो होने वाली वीडियोस नहीं देखी इन वीडियोस को लाजमी देख लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।